भारतीय कलाकार अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम राजीव हरि ओम है। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। वे दिल्ली के चांदनी चौक में बड़े हुए और बाद में वे मुंबई के कोलीवाड़ा गए। उन्होंने अपनी शिक्षा डॉन बॉस्को स्कूल में ग्रहण की। उन्होंने अपनी महाविद्यालयीन शिक्षा गुरु नानक कॉलेज से ग्रहण की, जहां जनपाल सिंह के साथ उन्होंने खेलों में भी हिस्सा लिया। बाद में वे मार्शल आर्ट के अभ्यास के लिए बैंकॉक गए और वहीं उन्होंने एक शेफ के रूप में भी काम किया। बाद में वे अपनी खुद की मार्शल आर्ट स्कूल शुरू करने के लिए वापस मुंबई आए। उनका एक विद्यार्थी जो फोटोग्राफर था, वह उन्हें एक मॉडल मानता था और उनकी तस्वीरें लिया करता था। अक्षय को 2 घंटों तक कैमरा के सामने पोज देने के लिए 5,000 रुपए मिलते थे, इसलिए उन्होंने मॉडल बनना पसंद किया। उनकी पहली फिल्म दीदार थी, जो प्रमोद चक्रवर्ती के निर्देशन में बनी थी। ट्विंकल खन्ना के साथ 14 जनवरी 2001 को शादी कर ली। उन्हें आज एक लड़का और एक लड़की भी है, जिनका नाम आरव और नेत्रा है। 1991 की फिल्म सौगंध के साथ ही अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर बाद में 1992 में उन्होंने एक सफल फिल्म खिलाड़ी में अभिनय किया। 1994 में उन्होंने अपनी पहली एक्शन फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और फिर मोहरा में अभिनय किया, जो उस समय साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी मानी गई थी। बाद में उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म यह दिल लगी की, जिसकी सफलता ने उन्हें फिल्म जगत में शिखर पर पहुंचाया और इसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के लिए उनके नाम को भी अभिसूचित किया गया था। बाद में इसी साल अक्षय ने 2 सफल फिल्म सुहाग और ऐलान का निर्माण किया और इसके लिए उन्हें उस साल का सबसे सफल एक्टर का खिताब दिया गया। 1995 में उन्होंने एक हिट फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय किया। खिलाड़ी सीरीज की हर फिल्म ने उन्हें बहुत बड़ी सफलता दिलाई। बाद में 1996 में खिलाड़ी सीरीज की एक और फिल्म उन्होंने खिलाड़ियों का खिलाड़ी की, जो फिर से साल की सबसे सफल और हिट फिल्म बनी। 1997 में अक्षय ने दिल तो पागल है में सहायक कलाकार की भूमिका निभाई, जिसके लिए उनका नाम फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार की सूची में शामिल किया गया। और बाद में खिलाड़ी सीरीज की एक और फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी में उन्होंने हास्य अभिनेता की भूमिका निभाई, जो उस समय बहुत असफल रही। बाद में 1999 में उन्होंने और 2 फिल्म संघर्ष और जानवर की, जिसने उस समय ज्यादा कमाई तो नहीं की, लेकिन आलोचकों की नजर में सफल रही। साल 2000 में उन्होंने उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म हेरा फेरी में अभिनय किया। बाद में उन्होंने एक रोमांटिक फिल्म धड़कन की, जो उस समय ज्यादा सफल नहीं रही। फिर साल 2001 में अक्षय कुमार ने पहली बार अजनबी फिल्म में विलेन यानी नेगेटिव किरदार की भूमिका निभाई। उस फिल्म में उनके अभिनय के लिए बहुत तारीफ की गई और इसलिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट विलेन का अवार्ड भी दिया गया। बाद में अक्षय ने कुछ ड्रामेटिक किरदार निभाने लगे। इस किरदार में वे 2001 की एक रिश्ता, 2002 की आंखें, 2005 की बेवफा और वक्त। बाद में साल 2006 में उन्होंने हेरा फेरी की सीरीज वाली फिर हेरा फेरी में अभिनय किया। फिर हेरा फेरी को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता मिली। उसी साल के अंत में उन्होंने एक और हास्य फिल्म भागम भाग की, जिसे फिर बड़ी सफलता मिली। फिर 2007 में उन्होंने सफल फिल्में जैसे नमस्ते लंदन, ए बेबी, भूल भुलैया, वेलकम की, जिसे बॉक्स ऑफिस पर कमाल की सफलता मिली और तभी से उनकी फिल्मों को ब्लॉकबस्टर का शीर्षक दिया गया, क्योंकि एक ही साल में उन्होंने 5 सफल फिल्में दी थी। बाद में अक्षय फिर अपनी नई फिल्म सिंग इज किंग लेकर आए, जिसे दोबारा दर्शकों का मनचाहा प्रतिसाद मिला। इसी साल अक्षय कुमार ने छोटे स्क्रीन पे आने का भी निर्णय किया और वे एक टीवी शो खतरों के खिलाड़ी होस्ट करने लगे। 2010 में शुरू में ही उनकी फिल्म हाउसफुल आई, जिसने पहले हफ्ते में ही बॉलीवुड में नए रिकॉर्ड्स बना लिए थे और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। अक्षय कुमार की कुछ हिट फिल्में इस प्रकार है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ी 420, अंदाज, गरम मसाला, नमस्ते लंदन, वेलकम, सिंग इज किंग, हाउसफुल, राउडी राठौर, खिलाड़ी 786, वंस अपन टाइम इन मुंबई दोबारा, हॉलीडे, एंटरटेनमेंट, बेबी, गब्बर इज बैक, ब्रदर, सिंह इज ब्लिंग, टॉयलेट एक प्रेम कथा, जो अभी अभी सबसे सफल फिल्म रही।
तो ये था फ्रेंड्स सुपरस्टार अक्षय कुमार का जीवन परिचय।